वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं इन्वेस्टमेंट एलाइट ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में। ये फुल कोर्स डिटेल आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा स्टॉक मार्केट सीखना है और कौन सी स्ट्रैटेजीज कवर करी जाएंगी कोर्स के अंदर में, पूरा डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में मैं करूंगा। तो आज अगर आज के ट्रेड की अगर हम बात करें तो आप सभी ने ये ट्रेड को देखा होगा, लॉरस लैब के ट्रेड को, और ये शानदार मूव किया। इससे पहले जब डेढ़ महीने से मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था, आपने देखा होगा निफ्टी जो है वो 30 सितंबर के बाद से लगातार मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा था, लेकिन तब हमने ज़्यादातर जो शॉर्ट सेलिंग होती है इंट्राडे में जो शॉर्ट सेलिंग करते उससे हमने पैसा बनाया। उसके बाद जब मार्केट बढ़ रहा है तो अभी हम बाय करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोनों साइड की जो स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ होनी चाहिए। और आप कोई भी स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर सीख रहे हो, वो दोनों साइड पर काम करनी चाहिए। जब वो सेल कर रही है तो भी वो काम करनी चाहिए, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आपको क्या करना है, बाई साइड की स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी आनी चाहिए। तो एक अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो सिंगल स्ट्रैटेजी दोनों मार्केट पर आपकी काम करनी चाहिए, गिरते हुए भी बढ़ते हुए भी। तो जो इंट्राडे स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, इट वर्क्स इन बोथ द मार्केट, चाहे मार्केट गिरने वाला हो या चाहे मार्केट बढ़ रहा हो, दोनों मार्केट में वो स्ट्रैटेजी काम करेंगी। तो इस फुल कोर्स में हम लोग कुछ प्रीमियम स्ट्रैटेजी को पढ़ेंगे, जैसे स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम डबल स्ट्रैटेजी, तो ये प्रीमियम स्ट्रैटेजी है स्टॉक ऑप्शंस के लिए, और कुछ पब्लिक स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करके रखी है। इसके बाद जो स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर को मिला के अगर आपको हेज करना है, जैसे कुछ लोग मार्केट में एक मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर को मिला के हम लोग हेज करते हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी इस कोर्स के अंदर में कवर करी जाएंगी। और इसके बाद यू नो ये इंट्राडे शॉर्ट सेल स्ट्रैटेजी, इसका हमने जब मार्केट गिर रहा था बहुत फ़ायदा उठाया। इंट्राडे शॉर्ट सेल जब मार्केट गिर रहा है तो हाई प्राइस पे हम लोग सेल करके नीचे डाउन प्राइस पर हम उसको बाई करेंगे, तो ये इंट्राडे की शॉर्ट सेल स्ट्रैटेजी है। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में कई स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन सबसे पहले उस पब्लिक स्ट्रैटेजी की बात कर लेते, बाद में मैं आपको पूरे कोर्स के डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा कि इसके अंदर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इन दिस कोर्स, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन एंटायर कोर्स। तो सबसे पहले वो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो उससे हमने आज लॉरस लैब को पिक किया था, जैसे वैसे इसको अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते थे, अगर हम इसको 9:16 पर भी अगर एग्जीक्यूट करते थे तो यहाँ पर ये मिलता था, इस लेवल पर 517 के रेट पर मिलता था, और इंट्राडे में वो गया है आज 526 तक। इंट्राडे में 1.5% भी बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसमें 5 times का लिमिट मिलता है इंट्राडे में। तो स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली, तो एक पब्लिक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, मार्केट में जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहता है, आप ध्यान से सुनना, अगर आपका टाइम फ्रेम अगर आप यूज करो, भले आप इंट्राडे का ट्रेड ले रहे हो, लेकिन अगर आप स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम से फिल्टर करोगे, चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम हो या वीकली टाइम फ्रेम हो या 1 hour की टाइम फ्रेम हो, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतने कम ट्रेड आपको मिलेंगे, ट्रेड कम आएंगे, यू विल हैव अ लेस ट्रेड इन द फॉलिंग मार्केट। जब मैं लो ट्रेड की बात कर रहा हूँ तो लो ट्रेड की बात कर, जब मार्केट लगातार गिर रहा है तो आपको पूरे महीने में हो सकता है 4 to 5 ही ट्रेड आए, लेकिन बहुत सॉलिड ट्रेड आपको मिलेंगे। और जब मार्केट बढ़ेगा तो आप 20 ट्रेड भी हम लोग आराम से एक महीने में लगा सकते हैं। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी बिल्ड करोगे तो वो दोनों साइड पर काम करते, गिरते हुए मार्केट में भी काम करते, बढ़ते हुए मार्केट में भी काम करती है। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम लोग, ये वन ऑफ द पब्लिक स्ट्रैटेजी है मेरी, जहां पर अगर कोई स्टॉक मंथली कैंडल पर, अगर कोई स्टॉक मंथली कैंडल पर अगर वो क्रॉस करता है अपना अपर बोलिंगर बैंड मंथली कैंडल पर, और वो 1 hour कैंडल पर भी अगर अपना अपर बोलिंगर बैंड क्रॉस करती है, तो ऐसे स्टॉक को हम टारगेट कर सकते हैं, वी कैन बाय सच स्टॉक। और अगर आपको, अगर आप ऐसा लिमिट करते हो कि मैं एक महीने में मैं केवल एक ही बार ट्रेड लूंगा एज पर द स्ट्रैटेजी, तो यू विल गेट एन वेरी एक्सेप्शनल एक्यूरेसी। मतलब इस महीने जैसे लॉरस लैब निकल के आया, तो हम लॉरस लैब में केवल एक ही ट्रेड करेंगे, वी विल नॉट ट्रेड आफ्टर दैट ऑन द स्टॉक, इफ यू स्टिक टू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी हाई एक्यूरेसी। तो इस स्ट्रैटेजी में भी कौन से स्टॉक आए हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत कम आपको स्टॉक आएंगे, लेकिन एक्यूरेसी बहुत हाई मिलेंगी। तो 25 November को देखो, यहाँ पे मॉर्निंग में लॉरस लैब आया था और पेज इंडस्ट्री आया था, ये स्टॉक आज 2.5% बढ़ा हुआ है, और इस स्टॉक में भी हमारा अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट हो गया। वैसे स्ट्रैटेजी ने ये स्टॉक को 22 तारीख को ही पिक कर लिया था 11:15 AM को, तो यू विल गेट सच अ ग्रेट एक्यूरेसी विद द स्ट्रैटेजी।
और मैंने भी इनफैक्ट ये ट्रेड आप लोग के साथ शेयर किया था, आपने देखा होगा लॉरस लैब मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था। तो स्ट्रैटेजिक कमाल की काम करती है। तो लॉरस लैब देखिए, लॉरस लैब का ग्राफ ये पे, और सबसे पहले मैंने बोला आपको मंथली कैंडल को यूज़ करेंगे, मंथली कैंडल पर अपर बोलिंगर बैंड कहाँ पर फायर हो रहा है पहले वो देखेंगे। तो आप देख सकते हो मंथली कैंडल पर जो अपर बोलिंगर बैंड क्रॉस हुआ है वो इस लेवल पर 512 पर, 512 के रेट पर मंथली कैंडल पर बुलिंगर बैंड क्रॉस हुआ था। फिर हम लोग को चेक करना है कि आवरली कैंडल पर बुलिंगर बैंड कब क्रॉस हुआ। तो मंथली पर होने के बाद तुरंत यहां पर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दूंगा और चेक करूंगा 1 आवर पर बुलिंगर बैंड कहां पर फायर हुआ। तो आप देख सकते हैं 1 आवर कैंडल पर भी जो बुलिंगर बैंड फायर हुआ था वो 11:15 के आसपास हुआ था, ओके। लेकिन जो ट्रेड आया है वो 512 के आसपास आएगा क्योंकि मंथली पर 512 के आसपास फायर हुआ। तो ट्रेड आपको यहाँ पर मिलता था, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे 22 तारीख को करीबन 512 के आसपास। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को बाय करूँगा तो ओवरनाइट मुझे यहाँ पर अपने प्रीमियम का 50% तक का भी प्रॉफिट मिल सकता था। जो प्रीमियम था 512 के कॉल ऑप्शन का, अगर हम यहाँ पे देखें 512 है, अगर हम 515 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बाय करते थे तो दिस वुड हैव इंक्रीज्ड, यू नो 512 का प्रीमियम अगर हम देखें नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, चलो 520 का देख लेते हैं क्योंकि मार्केट गिरा है तो वो तेजी से गिरा होगा प्रीमियम, क्योंकि ये देखिए 520 का प्रीमियम 6 रुपीज से आज गया था वो करीबन 9 रुपीज तक के, तो 50% यहां पर प्रीमियम बढ़ गया। अब टाइम वैल्यू तेजी से गिरेंगी क्योंकि ये आउट द मनी प्राइस है और अभी हम एक्सपायरी के आसपास जा रहे हैं तेजी से, तो टाइम वैल्यू तेजी से गिरेंगी। लेकिन ये प्रीमियम 10 रुपीज़ तक गया, 6 से 10 तक गया ये, तो आपको सॉलिड स्टॉक मिलेगा। और इसकी अगर हम बैक टेस्टिंग रिपोर्ट देखें स्ट्रैटेजी की, तो यू कैन सी दैट यहाँ पर इससे पहले जो ट्रेड आया था वो लॉरस लैब, आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 तारीख को भी लॉरस लैब आया है अर्ली मॉर्निंग। और देखिए कितने कम ट्रेड आए, जैसे ये 11th मंथ चल रहा है तो इस महीने मार्केट बहुत गिरा था शुरुआत में, आपने देखा होगा पहले 20 दिन मार्केट बहुत गिरा, और पूरे अक्टूबर में मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है। लेकिन देखिए कितने कम ट्रेड आए आपको यहाँ पर, कोफोर्ज का ट्रेड आया, कोफोर्ज के बाद में MFSL, यहाँ पैसा डबल हुआ ऑप्शन के अंदर में, यहाँ भी पैसा डबल हुआ ऑप्शन के अंदर में, उसके बाद लॉरस लैब यहाँ पर भी पैसा डबल हुआ था ऑप्शन के अंदर में, और अभी वापस से लॉरस लैब आ रहा है। और इंडियन होटल आपने देखा पिछले कुछ दिनों से, इंडियन होटल जो लोग मार्केट को सीरियसली देखते हैं, इंडियन होटल लगातार बढ़ रहा था 8 तारीख से, तो वो भी हमको इस स्कैनर ने ला के दिया है बिल्कुल। तो स्कैनर आइकॉनिक है बिल्कुल, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए और स्ट्रैटेजी के लिए, यू नो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन में या इक्विटी कैश के अंदर में। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है बिल्कुल, क्या होना चाहिए, मंथली कैंडल पर स्टॉक ने अपर बोलिंगर बैंड क्रॉस करना चाहिए और 1 आवर के कैंडल पर अपर बोलिंगर बैंड क्रॉस करना चाहिए। ये वन ऑफ द पब्लिक फ्री स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा। इसके अलावा और कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी भी हमने बना के रखी है, डिज़ाइन करी है मार्केट में, एंड दैट इज द प्रीमियम डबल स्ट्रैटेजी। तो ये अब हम कोर्स के पूरे ब्राउचर की बात करते हैं, अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो उसके अंदर में क्या क्या मिलेगा आपको, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हाईएस्ट रेटेड ट्यूटर ऑन अर्बन प्रो, 163 रिव्यूज, और उसके बाद इसमें जिन लोग को मार्केट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो सबसे पहले बेसिक देखेंगे मार्केट का क्या होता है, आफ्टर दैट विल बी लर्निंग, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर प्लेसिंग कैसे करते, जिन लोग को ऑर्डर प्लेस नहीं करना आता है कि भाई टारगेट कैसे लगाना है, और ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, कवर ऑर्डर क्या होता है अलग अलग ब्रोकर के साथ में, तो वो हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो ट्रेडिंग व्यू के बेसिक्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर कैसे ऐड करना है, उसके बाद टाइम फ्रेम को कैसे चेंज कर सकते हैं, टूल बार का यूज़ क्या है, पूरा ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव सो मेनी कॉन्सेप्ट्स हियर, सबसे पहले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, अगर आपको ये पता है रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक पैटर्न, सुपर सपोर्ट, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ के भी रखा है तो भी आप इससे क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी यूनिक वे है, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस कब ब्रेकआउट सक्सेस करता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कब फेल होता है, दोनों का डिस्कशन होगा इस कोर्स के अंदर में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ टेक्निकल इंडिकेटर, उसमें हम लोग जो प्रोमिनेंट इंडिकेटर है उनको कवर करेंगे, मैं नहीं जानता आपने इन लोग इंडिकेटर को समझा कैसे है, बट आई विल टीच यू इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे।
और मेरा खुद का पर्सनल इंडिकेटर भी है मार्केट में. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माई ओन पर्सनल इंडिकेटर ऑल्सो इन दिस कोर्स. आई विल गिव एक्सेस टू दैट ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल एनालिसिस पर एक बात होगी जहाँ पर हम लोग बात करेंगे पी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, डिविडेंड पेबैक, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स. तो ये एक ग्लांस है बिल्कुल शॉर्ट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए किसी भी कंपनी का. एंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द BTHT होल्डिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. तो अगर आपको कोई स्टॉक है जो ओवरनाइट खरीदना है तो बिल्कुल आइकॉनिक BTHT स्ट्रेटजी है, बाय टुडे सेल टुमारो स्ट्रेटजी, जहां पर हम ओवरनाइट 2-3% स्टॉक को होल्ड करते हैं. तो ये स्ट्रेटजी भी आपको इस कोर्स में कवर करी जाएंगी, सबसे पहली स्ट्रेटजी. आफ्टर दैट हम लोग इंट्राडे की स्ट्रेटजी देखेंगे, जैसे आइकॉनिक मोमेंटम बेस्ड इंट्राडे कैश स्ट्रेटजी, ये बिल्कुल प्रीमियम इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इसका डिस्कशन करेंगे. इसने आज दो स्टॉक को पिक किया था, पेज इंडस्ट्री और LTTS, जबरदस्त मोमेंटम हुआ दोनों स्टॉक के अंदर में. दिस इज द स्ट्रेटजी. उसके बाद यूनिक क्रॉसओवर इंट्राडे कैश स्ट्रेटजी फॉर, और यही दोनों स्ट्रेटजी आप स्टॉक फ्यूचर में भी लगा सकते हैं. अगर आपको लॉट्स खरीदने फ्यूचर में तो इन दोनों स्ट्रेटजी को आप फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न. और उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम डबल स्ट्रेटजी के साथ में. तो ये एक स्ट्रेटजी हम लोग कोर्स के अंदर में पढ़ने वाले हैं, स्टॉक ऑप्शन प्रीमियम डबल स्ट्रेटजी. एंड आफ्टर दैट स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन हेज. जैसे हमने पहले नेक्ड बाइंग पढ़ ली ऑप्शन की, तो उसके बाद स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन को हेज कैसे करना है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर में. एंड आफ्टर दैट इंट्राडे शॉर्ट सेल स्ट्रेटजी. अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है इंट्राडे में, जब मार्केट गिरता है तो कौन सा अप्रोच होना चाहिए शॉर्ट सेलिंग का, वो इस शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे. एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू सी ऑप्शन ग्रीक्स और ऑप्शन सेलिंग. उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी, आपने थीटा डेल्टा गामा को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ऑप्शन को सेल करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या है, ओपन इंटरेस्ट, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, उसके बाद डिटेल ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज, उसमें स्ट्रेडल स्ट्रेंजल और भी कई है, डबल कैलेंडर स्प्रेड भी है, वो सब डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर. एंड आखिरी जो मॉड्यूल है वो है निफ्टी बैंक निफ्टी का. तो निफ्टी बैंक निफ्टी में एक तो हम लोग एक्सपायरी स्ट्रेटजी देखेंगे, एक्सपायरी स्ट्रेटजी के बाद में दूसरी जो स्ट्रेटजी हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मोमेंटम क्रॉसओवर मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. तो टोटल दो स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी के लिए है और दो इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, एक BTHT है, उसके बाद दो ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस को बाय करने के लिए एक BTHT, 3-5-2, तो 7 स्ट्रेटजीज हम लोग इस कोर्स के अंदर में टोटल देखने वाले, और एक शॉर्ट सेल की. टोटल 8 स्ट्रेटजी आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी और सारी स्ट्रेटजी वेल बैक टेस्टेड है और सभी स्ट्रेटजी के स्कैनर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. तो ये जो चार्टिंग स्कैनर होता है यहाँ पर, जैसे ये पब्लिक स्कैनर है, क्योंकि आप मार्केट में 2000 शेयर है, आपको हर मार्केट में करीबन 2000 कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन हर कंपनी पर जाके क्राइटेरिया लगाना, उसका एनालिसिस करना, फिर उसका वेट करना बड़ा मुश्किल होता है. तो चार्टिंग पर आप क्या कर सकते हो, जो भी मैं स्कैनर आपके साथ शेयर करूँगा आप वहाँ पर अलर्ट को एक्टिवेट कर देना. अलर्ट को आपने एक्टिवेट कर दिया, जैसे वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा कोई स्टॉक, तुरंत आपके पास वो स्टॉक आ जाएगा. और हमने यहाँ पर स्टॉक को डेरिवेटिव में हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, स्टॉक को 190 ये फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक लेगा और जो भी स्टॉक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है वो हमारे पास में आ जाएगा बिल्कुल. तो ये शानदार है. और मैं बैकटेस्ट रिजल्ट पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि इससे पहले कौन सा स्टॉक आया था. तो देखिए आज लॉरस लैब और पेज इंडस्ट्री आया था और ये लॉरस लैब मैंने आपको अपडेट भी किया था. देखिए इसमें हमने टारगेट डन हमारा हुआ था लॉरस लैब के अंदर, मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया था आज. तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एक रियल एग्जीक्यूशन एबिलिटी आपके अंदर में आएंगी मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट हो सकता है पढ़ के रखे ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन आई डोंट नो हाउ यू हैव स्टडीड देम, बट आई विल टीच यू देम विद अ प्रैक्टिकल केस स्टडीज, नंबर ऑफ केस स्टडीज. और बाद में इन स्ट्रैटेजी को हम लोग स्कैनर में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि देखो स्कैनर बनाना बहुत जरूरी है. आपको स्ट्रैटेजी आ गई लेकिन कोई सॉफ्टवेयर में हमने इन कंडीशंस को दिया, डायरेक्ट हमारे पास में वो स्टॉक आना चाहिए. उससे क्या होता है, ट्रेडिंग अपना फास्ट हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा मार्केट के अंदर. तो इतनी चीज़ें कोर्स के अंदर में इंक्लूड है. अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. कोर्स का फीस रखा है 4000 एक नॉमिनल फीस के साथ, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो ये नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. फ़ोन नंबर करिए
या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 6 महीने का है, कोर्स का ड्यूरेशन 1 महीने का, 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप 6 महीने तक रिपीट कर सकते हैं, 6 बार कोर्स को आप रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी दी जाएंगी और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं बिल्कुल इसके अंदर। और आप डायरेक्ट इस नंबर पे आप इस नंबर पर पेमेंट करके UPI से आप कोर्स को डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं। बाद में आप बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट पर अगर आपको जाना है तो वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये मेरा वेबसाइट है और वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पर मेंशन है बिल्कुल। अगर आपकी क्वेरी हो तो मुझे यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट करके भेज दीजिए, आई विल गेट इन टच विथ यू। और ये कोर्स की प्राइसिंग वापस से यहाँ पर मैंने मेंशन की है, 4000 है कोर्स की प्राइसिंग। तो इस कोर्स को आप डायरेक्टली UPI ID कॉपी करके, यहाँ से आप UPI ID कॉपी करके डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फ़ोन नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको, अगर आप फुल कोर्स के पेज पर जाओगे तो यहाँ पर भी आप व्हाट्सएप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, फ़ोन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसका आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, और इस नंबर पर आपको कॉल करना है एंड यू कैन मेक द क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स। और इसमें आपको एक्सेस चीज़ क्या मिलेंगी, आपको ये जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, इस प्रीमियम ग्रुप का भी आपको एक्सेस मिलेगा पूरे 6 महीने के लिए। अब इस प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस क्यों मिलेगा आपको, बिकॉज ये यहाँ पर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ेगी। जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो स्टूडेंट को एक्सेसिबल रहती है, तो क्लास की रिकॉर्डिंग है, या फिर कोई क्लास आपको कंडक्ट करना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो उसका अपडेट मिलेगा, और क्लास का लिंक भी आपको इस प्रीमियम ग्रुप में ही मिलेगा। तो आप इस प्रीमियम ग्रुप को आपको ऐड करेंगे ताकि आपका क्लास जो है वो प्रॉपरली शेड्यूल हो सके, आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस प्रॉपरली मिल सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और आप आई विल सी इन द कोर्स। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो कम्प्लीटली बदल सकता है मार्केट के अंदर। एंड वी हैव ऑल द स्ट्रेटजीज, और ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसके अंदर में सब कुछ कवर किया गया है, चाहे वो BTST हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, उसके बाद इंट्राडे हो, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, ऑप्शन सेलिंग। तो अलग अलग कोर्सेज, 2-2, 3-3 हज़ार देके अलग अलग कोर्सेज करने की ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कोर्स में आपका यहाँ पर पूरा कवर किया जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।